विरार पूर्व के नारंगी इलाके में महालक्ष्मी अपार्टमेंट में एक बंद घर में एक व्यक्ति की लाश मिली है। पिछले कई दिनों से इस बिल्डिंग के रहवासियों को गंदी बदबू आ रही थी, इसी वजह से लोगों ने पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और फिर उन्होंने पुलिस को इस बारे में खबर दी। पुलिस को खबर करने के बाद उन्होंने तुरंत ही यहां आकर छानबीन की तो पता चला कि महालक्ष्मी अपार्टमेंट के ए विंग के रूम नंबर 120 में एक आदमी की लाश है। कुछ देर बाद दरवाज़ा तोड़ने के बाद यह आदमी अपने घर में पड़ा हुआ मिला। इसकी मौत पिछले 3 दिन पहले हो चुकी है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और इस व्यक्ति की मौत जहर खाने के वजह से हुई है, ऐसा अंदाज़ा भी पुलिस ने लगाया है। मई महीने से विक्की प्रसाद, जिसकी उम्र 35 साल है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो और उसकी माँ विद्या प्रसाद इस रूम में भाड़े से रहने आए थे। पिछले 3 दिनों से रहवासियों ने इन दोनों को भी आते जाते नहीं देखा, इसलिए उनके मन में शंका आशंका होने लग गई थी। उसी साथ साथ शनिवार की सुबह से बिल्डिंग में काफ़ी गंदी बदबू फैल गई थी। ये हत्या है या आत्महत्या, ये अभी भी एक सवाल है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।